Hello students, good morning S2. Now in before lecture we have explained about the solid state. In this video we explain liquid state and gaseous state. Now let us come to explain the लिक्विड्स. व्हाट आर द लिक्विड्स? अब लिक्विड्स को ले लो बेटा, चलो हम लोग अब प्रैक्टिकल करते हैं. लिक्विड्स को ले लो, जैसे मान लो वाटर ले लो या कोई भी चीज़ ले लो बेटा, ऑयल ले लो और उसको 1 लीटर वाटर ले लो, उसको ग्लास में रखो. वो ग्लास की शेप को एक्वायर करेगा. अब इसको पावर कर दो किसी फ्लैट पॉट में, ये फ्लैट पॉट के शेप को एक्वायर कर लेगा. दैट मीन्स लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स के शेप फिक्स नहीं होते हैं. अब देखो बेटा एक चीज माइंड कीजिएगा, ग्लास में वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर और जब इसको पावर कर दिए आप फ्लैट पॉट में तब भी इसका वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है. दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम. तो इट इज prove that the liquids have no fixed shape but they have fixed volume. Liquids का shape fix नहीं होता है. क्यों? क्योंकि liquids की property क्या होती है कि वो जिस container में रखा जाता है उस container के shape को acquire कर लेता है. Liquids attain the shape of the container in which these are kept. Liquids को जिस container में रखोगे उस container के shape को acquire कर लेगा, उस container का shape पकड़ लेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि liquids के shape definite नहीं होते हैं, लेकिन इसकी volume definite होती है. Okay? तो what are the liquids? Liquids are the those matters which have no fixed shape but they have fixed volume. What are the liquids? Liquids are those matters which have no fixed shape but they have fixed volume are called liquids. Water, oil, cold drink, etc. अब यहां से देखिए, आप लोग एक बात करोगे बेटा कि आप कोई भी चीज देखो, अब यहां पर क्या करते हो, इसका शेप तो फिक्स होता नहीं है लेकिन इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है. अब क्या करते हैं आप लोग, तो ये जो होते हैं बेटा, आप लोग जो है ये कह सकते हैं नो फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता है. लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप and they have a tendency to flow. Liquids have a tendency to flow. Liquids have tendency to flow. Liquids का shape fix नहीं होता है, इसलिए हम liquids को rigid नहीं कर सकते हैं. These are not रिजिड. सॉलिड्स आर रिजिड क्योंकि आप फोर्स अप्लाई करते हो फिर भी उसका शेप फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड्स के शेप फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं. और लिक्विड्स की एक टेंडेंसी होती है बेटा क्या, कि लिक्विड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, इनकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है. यू हैव ऑब्जर्व यूजुअली. सो देयरफॉर लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड. Liquids are called fluid. Liquids को क्या कहते हैं बेटा? Liquids are called fluids. Why liquids are called fluids? Because liquids have a tendency to flow. इनकी flow करने की tendency होती है. Okay? एक चीज आप लोग देखे होंगे कि आपका solid है और liquid है. ये दोनों मैटर जो है, दोनों सब्सटेंस जो है,
ये क्या है बेटा, लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज हो जाने का मतलब क्या होता है, ये दोनों लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब डिफ्यूज होने का मतलब क्या होता है बेटा, डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर डिजॉल्व और डिफ्यूज इन लिक्विड्स, ये दोनों लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, एक और चीज देखते हैं बेटा कि गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। जैसे आप लोग देख लो कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव एंड दे नीड टू ब्रेक द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए वो क्या होता है बेटा, अपना ऑक्सीजन को टेकअप कर सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, बिकॉज गैसेस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स। ओके, ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है और वही एक्वेटिक एनिमल्स उसको इनहेल करते हैं। ओके, हाँ, एक वन थिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करें तो लिक्विड्स आर डिफ्यूज रैपिडली इन लिक्विड रादर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपेयर में लिक्विड्स जो होते हैं वो इजिली डिफ्यूज होते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, अधिक फ्री होते हैं। द लिक्विड पार्टिकल्स आर मोर फ्री टू मूव देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, देयरफॉर द लिक्विड्स आर फास्टर डिफ्यूज इन लिक्विड देन सॉलिड्स। ओके, थैंक यू।